नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एडुओक एकेडमी में। आज फिर हाजिर हैं एक नए चैप्टर के साथ, लाइंस एंड एंगल्स। चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी कोई लेंथ विड्थ कुछ भी नहीं होती, ना हाइट होती है, इसको हम डिनोट करते हैं डॉट से। डॉट से इसे डिनोट किया जाता है। जैसे आपके पास ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के जितने भी ये वर्टेक्स हैं, ये सभी क्या हैं? पॉइंट्स हैं। ऐसे ही आपकी पेंसिल की टिप, ये भी एक पॉइंट है। एक जो लाइन होती है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से मिलके बनी है। जैसे कि मान लो हम इसी लाइन पे लेते हैं, इस लाइन पे हर जगह पॉइंट्स हैं, तो एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। लाइन क्या होती है? लाइन का कोई भी ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना कोई एंड पॉइंट होता है। ये एक इनफाइनाइट लेंथ की होती है। ये इस डायरेक्शन में भी कहीं तक जा सकती है और ये इस डायरेक्शन में भी कहीं तक जा सकती है। इसकी कोई लेंथ नहीं है। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल दिया गया है, ये होरिजन का आप देख रहे हैं, ये यहाँ से ले कर और यहाँ तक दिखा रखा है। ये इनफाइनाइट लेंथ का है। लाइन क्या होती है? जो दोनों तरफ, जिसका कोई भी एंड पॉइंट ना हो, स्टार्टिंग पॉइंट हो ना लास्ट पॉइंट हो, दोनों तरफ कहीं तक भी एक्सटेंड हो सकती है। रे, इसका एक एंड पॉइंट होता है। एंड पॉइंट को मैंने थोड़ा हाईलाइट करके मोटा किया हुआ है आपको दिखाने के लिए। एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा एंडलेस होता है। ये पॉइंट कहीं तक भी जा सकती है, मतलब ये आपको पूरे पेज पे कहीं नहीं आएगी, इसलिए शॉर्ट लेंथ में एरो का मार्क्स लगाते हैं। जैसे एरो मार्क का मतलब ये है कि ये इस डायरेक्शन में कहीं तक भी जा सकती है। एग्जांपल, आपके पास एक टॉर्च है। टॉर्च में जो आपकी जहाँ से लाइट स्टार्ट होती है, हर डायरेक्शन में लाइट्स जाएंगी, लेकिन हर डायरेक्शन क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगी। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट सभी का क्या होगा? जहाँ से लाइट एमिट हो रही है, जहाँ से लाइट निकल रही है, यानी यहाँ से लेके और ये रेज कहीं तक भी जा सकती है। रे का मतलब समझ में आया कि जिसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा इनफाइनाइटली एक्सटेंड होता जाएगा जहाँ तक जा सकता है। अंडरस्टूड? अब बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है? किसी भी चीज़ का टुकड़ा। तो लाइन का एक टुकड़ा है ना, लाइन का एक टुकड़ा है, उसको हम लाइन सेगमेंट बोल रहे हैं। लाइन सेगमेंट में दोनों एंड पॉइंट होते हैं, वो कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है, वो हम में पता होता है, फिक्स्ड होता है। और इसकी लेंथ क्या है? लेंथ आप मेज़र कर सकते हो, लेंथ मेज़र कर सकते हो, इसके एंड पॉइंट फिक्स्ड है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपके पास ये बोर्ड है, इस बोर्ड की लेंथ, इस बोर्ड की ब्रेड्थ, ये सभी फिक्स्ड है। तो ये सभी क्या है? लाइन सेगमेंट्स है। एंगल्स, एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स दो लाइन से बनी हुई एक शेप होती है, या आप कह सकते हैं दो रेज से बनी हुई एक शेप होती है, जिनका एक कॉमन पॉइंट होता है, जहाँ पे वो मीट करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। अब जैसे ये आपके सामने एक एंगल, एक रे हो गई OR, एक रे हो गई OP, इन दोनों के बीच में जो रेड मार्क आपको नज़र आ रहा है, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये कितना इसमें टर्न है, ये जो होता है इसे हम एंगल बोलते हैं। और एंगल जो लिखने का ढंग है, उसमें आप सेम एंगल वाला फिगर बनाते हैं और जैसे सेंटर पॉइंट जो है उसको सेंटर में रखते हैं। जिस पॉइंट पे एंगल बनता है उसको हम सेंटर, जैसे ओ था तो सेंटर पॉइंट था, तो हमने ओ को सेंटर में लिया, तो आपका जो एंगल बना वो बना POR, या आप पढ़ सकते हो ROP, मतलब जो ओ पॉइंट है वो सेंटर में आएगा, या फिर आप इसको शॉर्ट में एंगल ओ भी बोल सकते हैं। यानी हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं? एंगल ROP, एंगल POR और एंगल O। तो तीनों चीज़ें सही हैं। ज्योमेट्री में एक टूल होता है जिससे हम कोई एंगल मेजर करते हैं, जिसे बोलते हैं हम प्रोट्रैक्टर, जो आपके सामने नज़र आ रहा है। ये आपका मान लो इस तरफ से आपको एंगल मेजर करना है, तो 0 डिग्री, फिर 10 डिग्री, फिर 20 डिग्री, 30, 40, 50 और ऐसे करते करते लास्ट है ये 180 डिग्री। अगर इस तरफ से आपकी बेस लाइन है, इस तरफ से एंगल मेजर करते हैं, तो आपको ऊपर वाला सर्कल फॉलो करना है और 0 से लेके ये
180 डिग्री, मान लो हम इधर से स्टार्ट करते हैं, तो ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 40 डिग्री, ऐसे करते करते और आपका ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। चलो हमने जो अभी अपने एंगल बना रखे हैं हम उनको मेजर करते हैं। आपको क्या करना है, ये सेंटर पॉइंट सेंटर पे आएगा और जो बेस लाइन है वो बेस लाइन पे आएगी, और फिर हमें मेजर करना है कि ये जो लाइन है वो किस डिग्री पे है। देखो ये 80 है और ये 90 है, तो ये 90 डिग्री पे, ये जो आपकी लाइन है ये 90 डिग्री पे है, तो आपका ये एंगल हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल को हम राइट एंगल बोलते हैं। ये एंगल हो गया 30 डिग्री, 0, 10, 20 एंड 30, तो ये एंगल आपका हो गया 30 डिग्री। ये 90 डिग्री से लेस है, 90 डिग्री से लेस है और 0 डिग्री से ज़्यादा है, उस एंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। जो एंगल 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री यानी राइट एंगल से कम हो उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। इस एंगल को मेजर करेंगे, बेस लाइन आ गई और ये आपकी इधर, ये हो गया 150 से ऊपर 160 डिग्री, ये एंगल हो गया 160 डिग्री, यानी ये एंगल जो है ये 90 डिग्री से अबव है, 90 डिग्री से अबव है और इससे छोटा है। इसको अगर स्ट्रेट लाइन बना देंगे तो इससे छोटा है, 180 से छोटा है, यानी जो एंगल आपका 90 डिग्री से बड़ा हो हम उसे ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। इस एंगल की बात करें तो ये एंगल एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है, 180 डिग्री है और ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है, इसीलिए हम इसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल के बीच के एंगल सभी ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं। जो हमने अभी एंगल देखा वो एक स्ट्रेट एंगल है जो कि 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। अब कोई एंगल 180 से ज़्यादा हो जाए, ये 180 से बड़ा हो जाए, 180 तो यहाँ तक था लेकिन ये उससे ज़्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। चाहे वो कहीं पे भी आए, 180 से जो भी बड़ा एंगल होगा उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। 180 के बाद यहाँ पे 270, चलो इस फिगर में देखते हैं, ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है और ऐसे रोटेट करते करते ये आपका 180 डिग्री, ये आपका 270 डिग्री और यहाँ पे वापस करते क्या आ जाएगा 360 डिग्री। तो यानी ये जो आपका एंगल बना, मैंने इसमें दोनों लाइन अलग अलग कलर की इसलिए की ताकि वो साफ दिखाई दे, यहाँ से आपने शुरू किया एंगल को घुमाना और इसने कंप्लीट पूरा करके वहीं पे आ गई, तो ये एंगल हो गया 360 डिग्री। 360 डिग्री एंगल को हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं, 360 डिग्री एंगल को क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल, क्योंकि यहाँ पे अपना कंप्लीट सर्कल पूरा करता है, तो ये एंगल हो गया कंप्लीट एंगल। जो आपका रिफ्लेक्स एंगल था वो 180 डिग्री यानी स्ट्रेट एंगल से लेके कंप्लीट एंगल के बीच के जो एंगल हैं वो सभी रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, दो लाइन, जैसे मान लो आपके पास लाइन है एक ए एक ए बी लाइन है, एक पी क्यू लाइन है, हर जगह अगर इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो हम इन्हें बोलेंगे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, चाहे उनको कहीं तक भी एक्सटेंड कर ले, यानी पैरेलल लाइंस के बीच का गैप हर जगह सेम होगा। और इसको लिखने का एक तरीका होता है, जैसे ए बी इज पैरेलल टू PQ, या आप ऐसे लिख सकते हैं PQ is parallel to AB, parallel को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग वो दो लाइन होती हैं, कोई भी लाइन, दो भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है, इंटरसेक्टिंग वो एक पॉइंट पे मीट करेंगी, क्रॉस करेगी, मीट भी नहीं करेंगी, एक दूसरे को क्रॉस करेगी। यहाँ पे ये दोनों लाइन इस ओ पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए निकल जा रही हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों लाइंस यानी ए बी इंटरसेक्ट्स पी क्यू, या बोल सकते हैं पी क्यू इंटरसेक्ट्स ए बी।
परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस वो होती हैं जिनके बीच में एंगल 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री का एंगल है तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, जैसे ओ पी पे परपेंडिकुलर है ओ क्यू। अंडरस्टूड? अभी परपेंडिकुलर एंगल को हम हमेशा इस राउंड ना होके हम इसको इस रेक्टेंगल शेप से शो करते हैं कि ये अगर हमने ऐसे बना दिया तो इसका मतलब है कि ये एंगल 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, कोई अगर दूसरी उसके ऊपर 90 डिग्री पे है तो हम बोलेंगे वो परपेंडिकुलर है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ओ क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन ओ पी। सिंपल, मान लो ये दो लाइनें, एक ये है और एक ये है, ये 90 डिग्री का बनाती है। तो हम कहेंगे ये मान लो लाइन है ए ओ बी और पी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ओ पी इज परपेंडिकुलर ए बी। ये सारे लाइन सेगमेंट हैं, लाइन सेगमेंट को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे ये रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक पे जो एक दूसरे के बीच की जो दूरी है ये कभी एक दूसरे से मिलते नहीं, ये बराबर है। तो रेलवे ट्रैक्स की जो दोनों लाइन है ये और ये पैरेलल हैं। ऐसे ही जो ये लैम्प पोस्ट है, ये लैम्प पोस्ट धरती पे ग्राउंड पे बिल्कुल परपेंडिकुलर खड़ी है, तो ये वाला जो है ये परपेंडिकुलर है। ये एक्स शेप जो है, एक्स शेप एक दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। परपेंडिकुलर समझ में आया आपको, पैरेलल समझ में आया और इंटरसेक्ट समझ में आया। अभी एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, कोई भी दो एंगल जिनमें एक कॉमन आर्म हो, मतलब कोई भी एक लेग उन दोनों एंगल्स की कॉमन हो और एक कॉमन वर्टेक्स हो। जैसे कि इन दोनों में ये दो एंगल हैं, एक एंगल और दो एंगल, इन दोनों एंगल में ये वर्टेक्स है जो कॉमन है, ये आपका वर्टेक्स हो गया। ओ ए ओ पी ये दोनों की कॉमन आर्म है, यानी कोई भी दो एंगल जो एक दूसरे से सटे हुए हों हम उनको एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। यहाँ पे एंगल ए ओ पी और पी ओ बी ये दोनों, सॉरी ये पी ओ बी आएगा, यहाँ पे पी ओ बी ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। कॉमन आर्म ओ पी है और वर्टेक्स ओ है। कोई भी दो एंगल जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, कॉमन आर्म हो और वर्टेक्स एक हो, तो हम उसे बोलेंगे ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनमें एंगल का सम 180 डिग्री हो, तो वो एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं दोनों एंगल मिलके, तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। एंगल ए ओ सी इज सप्लीमेंट्री टू एंगल सी ओ बी और एंगल सी ओ बी इज सप्लीमेंट टू एंगल ए ओ सी। सेम ऐसे ही, कोई ज़रूरी है कि ये दोनों में आर्म कंबाइन हो, ये दोनों अलग अलग एंगल भी हो सकते हैं। ये दोनों अगर अलग अलग एंगल हैं और फिर भी अगर दोनों का जो सम आता है वो 180 डिग्री आता है तो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री की। अच्छा, सप्लीमेंट्री, एक चीज़ और सप्लीमेंट्री के बारे में बता दूं, अगर ये दोनों में बेस सेम है और 180 डिग्री दोनों का सम आता है तो हम इन दोनों एंगल के पेयर को हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं। लीनियर पेयर अगर सम 180 डिग्री आता है, जैसे इसमें इसका और इसका दोनों का सम 180 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल AOC एंड एंगल COB लीनियर पेयर हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यदि दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो हम बोलेंगे ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी इस एंगल का सम
और इस एंगल का सम यहाँ पे 90 डिग्री है, तो हम कहेंगे कि एंगल सी सी ओ ए एंड ए ओ बी आर कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। वर्टिकली अपोजिट्स एंगल क्या होते हैं? जब मान लो ये दो लाइन है, एक है ए बी और एक है पी क्यू, दोनों इंटरसेक्ट करती है ओ पॉइंट पे, तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। सेम ऐसे ही ये एंगल और ये एंगल, इनको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल फॉर्म्ड अपोजिट टू ईच अदर एट ए पॉइंट यानी वर्टेक्स के ऊपर, तो हम उन दोनों को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अच्छा, एक चीज़ और है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, यानी एंगल ए ओ पी यानी ये वाला एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू इस वाले एंगल के बराबर होगा एंगल बी ओ क्यू। सेम ऐसे ही एंगल, हम ऊपर वाले की बात करते हैं, पी ओ बी, पी ओ बी इज इक्वल टू एंगल यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, हो गया क्यू ओ पी। ठीक है, मान लो हम इसको एंगल नंबर वन दे देते हैं, एंगल टू दे देते हैं नाम इसको, इसको एंगल थ्री और इसको एंगल फोर, तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री एंड एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर। यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जब टू लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वो दोनों बराबर होते हैं। पैरेलल लाइंस में दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है, चाहे किसी भी पॉइंट पे आप मेजर करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा। अच्छा, इसमें जैसे ये एंगल, मैंने इनको एंगल नंबरिंग कर दी है, टोटल जब कोई दो पैरेलल लाइन है और उनको कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, ट्रावर्स लाइन को इंटरसेक्ट करती है, तो इस पे लाइन पे चार एंगल बनेंगे और इस लाइन पे चार एंगल बनेंगे। जो अंदर की तरफ बने यानी एंगल थ्री, एंगल फोर, एंगल फाइव एंड एंगल सिक्स, हम इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। जो अंदर बने वो इंटीरियर एंगल, जो बाहर की तरफ बने यानी एंगल वन, एंगल टू, एंगल सेवन एंड एंगल एट, दीज आर एक्सटीरियर एंगल। ये सभी एक्सटीरियर एंगल है जो बाहर की तरफ बनते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल जब हम, आप मान लो सिर्फ ऊपर की इस इमेज को कंसिडर कर रहे हैं, तो आपको पता है ये दोनों, ये और ये वर्टिकली अपोजिट है, दीज एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट। सेम ऐसे ही ये और ये, और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, यानी एंगल वन होगा एंगल थ्री के इक्वल और एंगल टू होगा एंगल फोर के इक्वल। सेम नीचे वाली इस फिगर में बात करें तो ये वर्टिकली अपोजिट कौन कौन से हैं, फाइव एंड सेवन, तो एंगल फाइव एंगल सेवन के इक्वल होगा और एंगल सिक्स एंगल एट के इक्वल होगा। हमने पढ़ा इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब बात करते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल्स। कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं? जैसे इस वाले ऊपर वाली लाइन में ये वाला एंगल जिस पोजीशन पे है, ये वाला एंगल जिस पोजीशन पे है, इसी पोजीशन पे जो नीचे वाला एंगल होगा इसको बोलते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल्स। इस वाले का दो नंबर का छः नंबर कोरस्पोंडिंग एंगल होगा, चार नंबर का आठ नंबर कोरस्पोंडिंग एंगल होगा और तीन नंबर का आपका सात नंबर कोरस्पोंडिंग एंगल होगा। और पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रावर्स लाइन काटती है तो हमेशा कोरस्पोंडिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी आपका एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फाइव, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल सिक्स, एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल एट और एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल सेवन। यानी कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये नाम से ही क्लियर है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। जैसे कि इंटीरियर में ये चार नंबर है,
इसका अल्टरनेट एंगल यानी इसकी दूसरी तरफ जो है ये एंगल है। सेम ऐसे ही इस एंगल के अपोजिट ये वाला एंगल है, तो ये हो गए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। वर्टिकली सॉरी एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल की बात करें तो एंगल वन का एक्सटर्नली कौन सा है, सेवन है। एंगल जो टू है इसका एंगल एट है। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल सेम साइड, भाई ये इंटीरियर एंगल इसी साइड में है, ये भी इसी साइड में है, यानी फोर एंड फाइव, थ्री एंड सिक्स, तो ये इंटीरियर एंगल सेम साइड हो गए। अभी एक चीज ध्यान देना, इंटीरियर एंगल सेम साइड और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, देखो ये एंगल है और ये लाइन, इन दोनों थ्री एंड फोर दोनों मिलके क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर, यानी दोनों का सम कितना है 180 डिग्री। तो हमें यहां से ऐसे ही वन एंड टू, एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर है, एंगल थ्री प्लस एंगल फोर 180 डिग्री लीनियर पेयर है, या कह सकते एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। ऐसे ही एंगल फाइव एंड एंगल सिक्स ये भी 180 डिग्री है, एंगल सेवन एंड एंगल एट ये भी 180 डिग्री है। यानी ये सारे एंगल जो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, हम उनको लीनियर एंगल बोलते हैं, यानी लीनियर पेयर बोलते हैं या सप्लीमेंट्री बोलते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल है थ्री, तो ये दोनों इक्वल हैं। अब फाइव और सेवन ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं। मैं सिर्फ एक पेयर लेके चल रहा हूँ, फिर उससे कंपेयर करूँगा। थ्री एंड सेवन क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल है, थ्री एंड सेवन कोरस्पोंडिंग एंगल है, यानी थ्री जो है वो सेवन के इक्वल है, तो थ्री अगर सेवन के इक्वल है तो थ्री फाइव के इक्वल भी है। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी सेम उसी वे में इक्वल होंगे। द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसप्लीमेंट्री, जो हम अभी डिस्कस किया पेयर। अभी मैं आपको फिर एक दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो ये एक दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच में एक लाइन कट करती है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, इस एंगल के ये एंगल इक्वल होगा और इस एंगल के ये एंगल इक्वल होगा, यानी ये चार एंगल इक्वल होंगे। फिर ऐसे ही दूसरी साइड से अगर हम देखेंगे तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के, और ये चारों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे।